विधानसभा में सीएम शिवराज ने के तीखे तेवर भी दिखाई दिए। ओबीसी आरक्षण पर सीएम शिवराज की खरी खरी। कांग्रेस ने ओबीसी को धोखा दिया, कोर्ट में ओबीसी का पक्ष क्यों नहीं रखा। कमलनाथ ने कांग्रेस ओबीसी की पीठ में छुरा घोंपती है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े तीखे तेवर भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी को धोखा दिया। ये फिर पाखंड कर रहे माननीय अध्यक्षों ने। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, ये फिर पाखंड कर रहे माननीय अध्यक्षों ने। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, शब्बीर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शब्बीर, काफी तीखे तेवर देखने को मिले हैं, काफी ये तीखा आक्रामक अंदाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का देखने को मिला है। अमूमन ऐसा अंदाज दिखाई नहीं देता है मुख्यमंत्री का, लेकिन आज सदन में कुछ ऐसे अंदाज में दिखाई दिए और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस ओबीसी की पीठ में छुरा भोंकती है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त की बात की जाए तो ओबीसी एकदम चरम पर है। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा विपक्ष जोर से उठा रहा था सदन में। एप्रन पहन के कांग्रेस के विधायक पहुंचे थे और जोरदार, जो जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले हमने वीडियो देखा, सीएम शिवराज सिंह चौहान सदन में साफ तौर पर विपक्ष पर यह आरोप लगा रहे थे कि आपकी 15 महीने की सरकार थी तो आपने आरक्षण के मुद्दे पर क्या किया। सिर्फ 2019 का वोट पाने के लिए, 2019 में लोकसभा में वोट पाने के लिए, ओबीसी के वोट पाने के लिए आपने सिर्फ ये झुंझुना पकड़ा दिया ओबीसी को लेकर, और आपने बाद में जो है जो कोर्ट में ये मामला गया तो स्टे मिल गया और इस मामले में कुछ भी कार्रवाई नहीं करी और इसी के बाद अभी तक स्टे मिला हुआ है। यही आरोप कांग्रेस लगाती है कि कोर्ट में सरकार ने पक्ष नहीं रखा। अब यही आरोप सरकार कांग्रेस पर लगा रही है कि कांग्रेस ने उस समय सरकार में अपनी बात ढंग से नहीं रखी। दोनों के आरोप एक ही हैं और इसमें पिस कौन रहा है, ओबीसी वर्ग? बिल्कुल, ओबीसी वर्ग पिस रहा है, जनता पिस रही है, क्योंकि दोनों दिन की बात करें तो एक दिन आदिवासियों के मुद्दे पर हंगामा हुआ, अगले दिन ओबीसी के मुद्दे पर हंगामा हुआ और हंगामे के चलते जो ये कह सकते हैं कि विधानसभा की कार्रवाई, जो पहले ही छोटा सा सत्र था 4 दिन का, वो सत्र मात्र 1.5 दिन में खत्म हो गया, ये कह सकते 2 से 3 घंटे में ही खत्म हो गया और जनता के मुद्दे इसमें पूरी तरह से पिसते हुए नजर आए, क्योंकि कई अहम मुद्दे थे, चाहे बाढ़ हो, महंगाई हो, बढ़ती बिजली के दाम हो, या बड़े हुए बिल की बात की जाए, बिजली के बिल काफ़ी आ रहे हैं जनता
परेशान है। इन तमाम मुद्दे पर चर्चा करनी थी सत्ता पक्ष और विपक्ष को, लेकिन मुद्दे वो उठाए गए जिससे दोनों को वोट मिल सकते हैं। और आरोप प्रत्यारोप के बीच में पूरे मुद्दे जो है आरोप प्रत्यारोप के मुद्दे के बीच में जनता पिस्ती भी नजर आई। कल आदिवासियों का मुद्दा उठाया, उसके बाद सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि 15 नवंबर को वो एक बड़ा कार्यक्रम करेगी आदिवासियों को लेकर, और उसके बाद अब अगले दिन जो ओबीसी का मुद्दा उठाया गया तो दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और इन सब के बीच जनता के मुद्दे बिल्कुल नहीं उठाए गए। दोनों दिन सिर्फ जाति की राजनीति मध्यप्रदेश के सदन में होती हुई नजर आई। बड़ा मुद्दा बन चुका है, अगर ओबीसी की बात करें हम, 27% आरक्षण की मांग और अब ये मुद्दा बड़ा हो गया है। आज ही कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा, यानी कि स्टे बरकरार है। 1 सितंबर को अब अगली और अंतिम सुनवाई होगी। अब देखना यह होगा कि उस 1 सितंबर को क्या कुछ सुनवाई में फैसला आता है, और तब तक ये मुद्दा गरमाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए शब्बीर। ये फिर पाखंड कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, पिछले बार धोखा दिया आपने, पिछले बार को धोखा दिया आपने, पिछले बार को ये धोखा दिया है किसी की, आज तारीख को आप जाते हैं निकाल आएंगे अपने लिए लगातार इसकी यानी आज से मैं भी होना चाहते हैं। 19 तक जब तक किसने हुआ, अरे वो एडवोकेट जनरल आपने खड़ा नहीं दिया, ये पिछले